नमस्कार दोस्तों, आज 2 मई है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे। आज का दिन राशि चक्र की सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मेष राशि, आज के दिन आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से इस राशि के लोगों को करियर और शिक्षा जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मेष राशि के विवाहित जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आज आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि, चंद्रदेव आज आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे अपनी भावनाओं को आप बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। आज के दिन इस राशि के विद्यार्थी अपने लिए नई पुस्तक या शिक्षा से संबंधित कोई सामग्री खरीद सकते हैं। वृषभ राशि के जो लोग प्रेम संबंध में हैं या जिनकी शादी होने वाली है, वो अपने लव पार्टनर के साथ काफ़ी देर बात कर सकते हैं। मिथुन राशि, आज के दिन चंद्रमा के कन्या राशि में होने से आपका चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेगा। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि आपको पारिवारिक जीवन में सुखद परिणाम मिलेंगे। आज के दिन इस राशि के लोग अपने बच्चों या घर के सदस्यों के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। इस राशि के जातक अपनी माता के साथ भी अच्छा समय बिता पाएंगे। कर्क राशि वाले जातक बहुत संवेदनशील और दूसरों की चिंता करने वाले माने जाते हैं। आज अपने इन्हीं गुणों से आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आज के दिन चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि आपके दुश्मन भी आपके मित्र बन सकते हैं। सिंह राशि, सूर्य की स्वामित्व वाली सिंह राशि के जातक आज ऊर्जा और सकारात्मकता से भरे रहेंगे। आज के दिन आप जो भी काम करेंगे उसमें पूरा फोकस्ड रहेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, वो अपनी बातों से अपने सीनियर्स को आज आकर्षित कर सकते हैं। जिन लोगों की अभी तक जॉब नहीं लगी है, उनको जॉब मिल सकती है। कन्या राशि, आज के दिन आप मानसिक शांति के लिए उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे जो अपनी बातें कहने से ज्यादा आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं। आज के दिन आपकी वाणी में भी मधुरता देखने को मिलेगी, साथ ही आप अपने दोस्तों या फिर करीबियों के साथ मिलकर कहीं घूमने भी आज के दिन जा सकते हैं। तुला राशि, ग्रहों की स्थिति से आज के दिन तुला राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज के दिन चंद्रमा की जो स्थिति है, वो 12वें भाव में रहेंगे और इसलिए आपको विदेशी स्रोतों से धन लाभ आज के दिन मिल सकता है। हालांकि आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज चंद्रमा के एकादश भाव में होने से लाभ हो सकता है। इस राशि के जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, उनके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी इस राशि वालों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। धनुराशि के जातक आज के दिन ऑनलाइन शॉपिंग करके घर के लोगों के लिए कुछ चीज़ें मंगवा सकते हैं। इस राशि के लोगों को करियर के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में आपने भाग लिया था बीते दिनों में, तो आपको कोई सकारात्मक रिजल्ट मिल सकता है। इसके साथ ही आपकी सेहत भी आज दुरुस्त बनी रहेगी। मकर राशि, आपको आज भाग्य का साथ मिलेगा और बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे। कार्यक्षेत्र में आज आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आप अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा कर सकते हैं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आप घर वालों के लिए पर्याप्त समय निकाल पाएंगे। कुंभ राशि, आज के दिन कुंभ राशि वालों को अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपका पाचन तंत्र आज खराब हो सकता है। इसके साथ ही जो लोग घर से बाहर रहते हैं, उनको आज ऐसे लोगों से मिलने से बचना चाहिए जो नकारात्मक बातें करते हैं। हालांकि इस राशि के कारोबारियों को आज करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मीन राशि, राशि चक्र की आखिरी राशि मीन वालों को आज के दिन जीवन साथी से कोई अच्छा सरप्राइज मिल सकता है या आप उनको सरप्राइज दे सकते हैं। इस राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं जो दंपत्ति अपने घर से दूर रहते हैं, वो आज घर के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Live। नमस्कार।